आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर में करेंगे बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन। भारत के खाते में जुड़ी एक और उपलब्धि, 15 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ किशोरों का हुआ पूरा टीकाकरण। भारत यूएई में व्यापार समझौता, मोदी सरकार के कार्यकाल में किसी देश के साथ पहला पूर्ण व्यापारिक एग्रीमेंट, बढ़ेगा निर्यात। जम्मू कश्मीर में शोपिया के चेरमार्ग में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की हुई मुठभेड़। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, महामारी की घातक तीसरी लहर को कम करने में वैक्सीनेशन ही है अहम भूमिका। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो समय हो गया है इस वक्त की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का, जहां देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में अब ठंड का असर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दोपहर में धूप के निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली है। वहीं अब मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश और बादल छाए रहने के अनुमान जाहिर किए हैं। आईएमडी के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं हिमाचल में एक बार फिर बारिश के साथ बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका में बात इस हद तक बढ़ चुकी है कि नौबत परमाणु युद्ध तक आ पहुंची है। अमेरिका ने परमाणु हमला करने में सक्षम B-5 बॉम्बर्स जेट को यूरोप में तैनात कर दिया है। अपने सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को भी भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ रूस कल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में अब तक की सबसे बड़ी न्यूक्लियर मिसाइल ड्रिल करने जा रहा है। पुतिन ने समाचार एजेंसियों से बात करते हुए कहा कि हमें पता है कि नाटो की संयुक्त ताकत ही रूस का मुकाबला नहीं कर सकती है, हम ये समझते हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि रूस दुनिया की अग्रणी न्यूक्लियर ताकतों में से एक है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के तीसरे चरण में 20 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए शुक्रवार यानी कल शाम 6 बजे प्रचार बंद हो गए थे। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है। एक तरफ जहां तीसरे चरण के लिए प्रचार थम गया है, वहीं चौथे चरण के मतदान के लिए सभी पार्टियों के नेताओं ने प्रचार शुरू कर दिया है। वहीं इस कड़ी में सभी पार्टियों के दिग्गज जनसंपर्क करेंगे। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बांदा, रायबरेली और लखनऊ के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और हरदोई के दौरे पर रहेंगे, जहां सपा सुप्रीमो भी कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि तीसरे चरण का जो मतदान है उसको लेकर प्रचार प्रसार कल यानी शुक्रवार शाम को खत्म हो गया है, और इसके साथ ही सभी पार्टी के दिग्गज अब चौथे चरण के प्रचार प्रसार में जुट गए हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां अब लगातार चौथे चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उन सीटों पर जाकर लगातार जनता को साधने की कोशिश कर रही है। सभी पार्टियां लगातार जनसंपर्क कर रही है, डोर टू डोर कैंपेन कर रही है और लगातार अपना जनाधार बढ़ाने में जुट गई है। वही बात अगर भाजपा की जाए तो भाजपा अपने बीते पिछले 5 वर्षों में जो भी कार्य किए हैं उसकी उपलब्धियों के बल पर चुनाव जीतना चाहती है। वहीं अगर बात सपा की जाए तो सपा अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को लोगों के सामने ला रही है और अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की गोसाईगंज विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी अभय सिंह और बीजेपी उम्मीदवार आरती तिवारी के समर्थकों में जमकर भिड़ंत हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव और फायरिंग का आरोप लगाया था। सपा के प्रत्याशी अभय सिंह का आरोप है कि बीजेपी समर्थकों ने उनके काफिले पर पत्थर बरसाए और साथ ही फायरिंग भी की, जबकि उधर दूसरे पक्ष का आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी आरती तिवारी के लिए प्रचार कर रहे विकास सिंह के काफिले पर
गोलीबारी की गई है, जबकि आरोप ये भी है कि फायरिंग सपा के उम्मीदवार अभय सिंह खुद कर रहे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां एक बार फिर सपा और भाजपा के प्रत्याशियों में भिड़ंत देखने को मिली है। अभय सिंह और आरती तिवारी की गिरफ्तारी हुई है, जबकि अब ये खबरें सामने आ रही है कि सपा उम्मीदवार समेत उनके समर्थकों की भी गिरफ्तारी हो गई है इस मामले में। दोनों पक्षों का आरोप है एक दूसरे के प्रति कि पत्थरबाजी और फायरिंग की, दोनों पक्षों से किसी को किसी तरह की फायर आर्म इंजरी नहीं है। दोनों पक्षों द्वारा बताया गया है कि मामूली चोट एक एक दो दो लोगों को दोनों पक्षों से है, किसी को वैसी जाहिरा चोट नहीं है। मीडिया में तमाम जगह बहुत सारी चीज़ें भ्रामक इसमें फैलाई जा रही हैं, गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। अब इसकी जांच की जा रही है कि कितने किस तरह की घटना में एक दूसरे पर पत्थरबाजी में टूटी हैं या अपने तोड़ के पेशबंदी की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था है, दोनों पक्षों द्वारा तहरीर दी जा रही है, प्राप्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे संवाददाता राघवेंद्र जुड़ गए हैं। तो राघवेंद्र जी, ये मामला करीब कितने बजे का बताया जा रहा है? बता दें आपको कि जो है वो देर रात का बताया जा रहा है, और थाना महाराजगंज के नेव कबीर चौराहे पर जो है वो दोनों समर्थक आपस में भिड़े हैं, और आरोप ये लगाया जा रहा है भाजपा समर्थकों द्वारा कि सबसे पहले अभय सिंह की और उसके बाद अभय सिंह जिससे पथराव बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों के ऊपर हुआ है। तो पूरा मामला आपको बता दें कि क्या करके अगर बात की जाए तो ये पीछे कई दिनों से भी ये मामला आपस में के द्वारा छूटा कहा सुनी चलती रहती थी, और उसके बाद कल जो है देर रात पूरा मामला ये महाराजगंज थाने के नेव कबीरपुर में हुआ है। जी राघवेंद्र जी, आगामी चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी ये घटना, इसके पीछे की वजह क्या रही है कि क्या प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है? जी, अगर प्रशासन की लापरवाही तो जो देखने को मिल रही है वो तो सामने है ही। दोनों समर्थकों के बीच में तो आपको बता दें कि अभी तक इस मामले में कार्रवाई होने की भी खबरें सामने आ रही है, जहां सपा प्रत्याशी समेत उनके समर्थकों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें कि लगातार जो चुनाव है उसको लेकर सभी पार्टियां जनता को साध रही है, जनसंपर्क कर रही है। उसी बीच में जब पार्टियां अपने जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, तो उसी बीच अब अयोध्या से अभय सिंह और आरती तिवारी के समर्थकों के आपस में भिड़ने की भी खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि अयोध्या में एक बार फिर भाजपा और सपा के जो समर्थक है वो आमने सामने आ गए, जबकि इसी मामले पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि अभी तक कार्रवाई हो चुकी है, इसमें सपा के प्रत्याशी समेत उनके समर्थकों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें कि देर रात ये कल मामला हुआ, जिसमें अब कार्रवाई की जा चुकी है। तो इस खबर पर एक बार फिर हमारे संवाददाता राघवेंद्र जुड़ गए हैं। तो राघवेंद्र जी, ऐसी खबर आ रही है कि इस मामले पर कार्रवाई हो चुकी है, तो अभी तक क्या कुछ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक्शन लिया है? बिल्कुल, आज बता दें कि पूरा मामला जो और इनको अभय सिंह को देर रात में पुलिस में लिया गया है, उनके आवास से पुलिस कस्टडी में लेने के बाद चार समर्थक भी इनके शामिल हैं उसमें, और इनको अभी तक जो कार्रवाई की जा रही है इनसे पहुंचा हुआ है, दोनों के समर्थक आपस में भिड़े हैं। जी, तो ये फायरिंग जो है देर रात हुई है, इसमें क्या कुछ नुकसान की खबरें सामने आ रही है कि अभी तक कितना कुछ नुकसान हुआ है, क्या किसी के घायल होने की भी आशंका है? देखिए, अगर बात की जाए दोनों प्रत्याशी आपस में आरोप का लगा रहे हैं, दोनों कि हमारी गाड़ियां टूटी हुई हैं, प्रत्याशी कह रहे हैं कि हमारी गाड़ियां तोड़ी गई हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन के तौर पे एसएसपी का बयान आया है कि जो कि कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हैं और शीशे तोड़। धन्यवाद राघवेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि अयोध्या में भाजपा और सपा के समर्थकों में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली है, इस दौरान फायरिंग की भी खबर सामने आ रही है, और हमारे संवाददाता ने जैसा कि अभी बताया कि इस मामले पर पुलिस ने कार्रवाई भी की है, जिसमें सपा के प्रत्याशी समेत उनके समर्थकों को भी गिरफ्तार किया गया है।
खबर फिरोजाबाद से है, जहां विधानसभा 2022 के लिए अधिग्रहण की गई बस मालिकों ने एआरटीओ पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से लाठीचार्ज करवाने का भी आरोप लगाया है, जिसके बाद चालकों ने यह भी बताया कि बस स्टॉप पर जाकर आरटीओ ने पुलिस के साथ मिलकर ड्राइवरों को भी पीटा है। तो आपको बता दें कि लगातार सभी पार्टियां जो है वो अपना प्रचार प्रसार कर रही है और तीसरे चरण का मतदान भी होना है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इस दौरान फिरोजाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई जहां पर अधिग्रहण की गई बस मालिकों ने एआरटीओ पर भी अभद्रता करने का आरोप लगाया है, साथ ही पुलिस पर भी ऐसा आरोप लगाया गया है कि एआरटीओ के साथ मिलकर पुलिस ने बस चालकों पर लाठीचार्ज किया है, जिसके बाद चालकों ने बताया कि बस स्टॉप पर भी आरटीओ ने पुलिस के साथ मिलकर ड्राइवरों को जमकर पीटा है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां जसराना के पचबा तिराहे पर बारात के लिए जा रही एक प्राइवेट बस ने तीन मोटरसाइकिल सवार युवकों को रौंद दिया, जिसमें तीनों युवकों की मौत हो गई। और जैसे ही युवकों के परिजनों को मौत की जानकारी मिली, वैसे ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं इस हादसे के बाद बस में बैठी सभी सवारियां और चालक मौके पर ही बस छोड़कर फरार हो गए। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं यह हादसा कितना दर्दनाक था, जहां एक बारात के लिए बस जा रही थी और उसी दौरान तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार तीन युवकों को रौंद दिया। मामला सर यह है कि मेरी गाड़ी, मैं रणवीर सिंह हूँ, राधे राधे बस सर्विस से मेरी गाड़ियाँ चलती हैं, मुझसे गाड़ियाँ चुनाव के तो इस खबर पर हमारे संवाददाता फिरोजाबाद से संजीव जुड़ चुके हैं। संजीव जी, ये हादसा कितने बजे का बताया जा रहा है? देखिए ये हादसा लगभग शाम को 5:30 बजे के आसपास का ये हादसा है, ठीक है, और तीन बाइक सवार लोगों को बस में कुचल दिया है और तीनों की मौके पर मृत्यु हो गई है। धन्यवाद संजीव जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि फिरोजाबाद में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार तीन युवकों को रौंद दिया है और ये बस किसी शादी के लिए जा रही थी, उसी दौरान बाइक सवार तीनों युवकों की मौत हो गई, जिसके बाद से परिजनों में कोहराम मच गया। वह इस हादसे के बाद बस में सवार सभी सवारियों और चालक मौके पर ही बस छोड़कर फरार हो गए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह बस के अंदर बैठी सवारी और बस चालक भी गायब है, जबकि बीच रास्ते पर वो बारात वाली बस वहीं पर खड़ी हुई है। खबर बांदा से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे दो घायल युवक मिले, जिसकी सूचना राहगीरों द्वारा पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां देखते ही डॉक्टरों ने दोनों घायलों को मृत घोषित कर दिया। और वहीं इस पूरे मामले के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। तो आपको बता दें कि बांदा में सड़क किनारे दो अज्ञात युवकों का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना राहगीरों द्वारा पुलिस को दी गई। वह इस मामले पर तुरंत पुलिस ने एक्शन लेते हुए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने दोनों घायलों को मृत घोषित कर दिया। साथ ही पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस कोई मामला लाई थी? क्या मामला था? कितने लोगों को लाई? अभी यहां पे दो लोगों को पुलिस के द्वारा लाया गया, जो कि मृत अवस्था में थे, उनकी बॉडी को पीएम के लिए भेजा। कहां से लाए थे, क्या बताया पुलिस ने? पुलिस ने इनको बताया कि खराड़ा के पास स्टेशन के पास उनका एक्सीडेंट हुआ था, पुलिस ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कार्रवाई की, जहां अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान अभियुक्तों के पास से असलहो, कारतूस व असलहे बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बेला में आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें कि आगामी चुनावों को देखते हुए जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन अलर्ट है, उसी कड़ी में औरैया पुलिस ने यह एक्शन लेते हुए अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत जनपद औरैया पुलिस द्वारा लगातार अवैध असला के ऊपर अभियान चलाया जा रहा था। इसी संदर्भ में आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई, जब थाना बेला पुलिस और जनपद औरैया की स्वाट टीम द्वारा थाना बेला के अंतर्गत ग्राम रावतपुरवा के पास से
जंगलों में से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से भारी मात्रा में अवैध असलाह बरामद हुए। ये दोनों गिरफ्तार होने वाले शख्स, एक का नाम बलबीर दास और दूसरे का नाम गोल्डन यादव है, जो ये बेबर मैनपुरी के रहने वाले हैं। दोनों ही शख्स मिल करके एक अवैध असलाह की फैक्ट्री संचालित करते थे और इसमें जो ये शख्स गोल्डन यादव और एक वांछित अपराधी जिसका नाम सुनील कुमार है, ये दोनों शख्स जनपद औरैया से लेकर के इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा इन सबों को अवैध असलाह सप्लाई करते थे और एक एक असलाह 5 से 6 हज़ार रुपये में बेचते। फिलहाल यूपी बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।